हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। पिछले पार्ट वन के बाद आज ये ज्योग्राफी का पार्ट टू है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का तीसरा वीडियो है। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में कुछ मिसप्लेस हो गए थे कुछ टॉपिक्स में, लाइक अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन वन का, तो क्वेश्चन वन का जो स्टेटमेंट फर्स्ट था उसमें ये था कि मध्य प्रांत से बंगाल प्रांत में सोनपुर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि सोनपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी उन पांचों में जो बंगाल प्रांत में ट्रांसफ़र हुई थी, जिसका स्थानांतरण मध्य प्रांत से किया गया था। तो इस प्रकार से अगर उस कथन को सुधार लिया जाए तो यहाँ पर उसका ऑप्शन डी सत्य होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में सारे स्टेटमेंट सही थे, लेकिन जो लास्ट में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखेंगे वो असत्य नहीं, वो सत्य था, वो मिसप्रिंट हो गया था, ठीक। एंड देन उसका आंसर भी ऑल ऑफ द एबव होगा। एक और क्वेश्चन आ रहा था कि छत्तीसगढ़ का जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द एरिया, ठीक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वह हो रहा है 9th नंबर में, बिल्कुल सही। बट उस तरह के क्वेश्चन को इसलिए समावेश किया गया था ताकि आप लोगों का ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि अभी अभी वो चीज़ें चेंज हुई हैं और समसामयिकी के आधार पर उस चीज़ को पूछ सकता है। बाकी आप लोग बताएं कुछ, अगर इस तरह की चीज़ें हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद हम उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई कर देंगे अगर पॉसिबल होता है, ठीक है, तथ्यपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, यानी कि छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन कैसा होता है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्यों के बारे में थोड़े फैक्ट्स जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। थोड़ी स्पीड फास्ट होती है क्योंकि क्वेश्चन कवर करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका वीडियो का ड्यूरेशन भी थोड़ा कम रखना होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें पहले से। इसलिए कल टॉपिक अपडेट करवा दिया गया था कम्युनिटी टैब में ताकि आप उसे प्रिपेयर करें, ठीक, स्पीड के साथ चलें और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और याद रखेंगे सारे जो ऑप्शंस होंगे उससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपना जो डायमेंशन हो उस डायरेक्शन में आप रखने की कोशिश करें। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आने वाले जो 2-3 क्वेश्चन होंगे वो मैं अभी जो एक थ्योरी बताऊंगा उस पर ये सारे बेस्ड होंगे। तो आइए हम थ्योरी की तरफ रुख करते हैं। इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का मैप मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैप में याद रखेंगे हमेशा जब भी आप स्टडी करते हैं आपको चलना है क्लॉकवाइज, अपने डायरेक्शंस को आप नहीं चलेंगे, कभी भी काउंट करें क्लॉकवाइज करें, चाहे स्टेट का काउंट करें चाहे बाउंड्री पे होने वाले जिलों का काउंट करें, ठीक। तो यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और MH, करेक्ट। इस तरह से टोटल 7 राज्यों, कितने 7 राज्यों से घिरा हुआ मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेश है। तो इसमें जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से होंगे जरा पहले देख लेते हैं। एक होगा आपका यूपी, यूपी के बाद होगा आपका झारखंड, झारखंड के बाद होगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद होगा आपका आंध्र प्रदेश, देन होगा तेलंगाना, देन होगा महाराष्ट्र और देन होगा आपका MP। मैंने क्लॉकवाइज चला, करेक्ट। टोटल 7 क्या हो गए मेरे, टोटल 7 स्टेट हो गए। अब ये जो 7 स्टेट हैं, अब ये 7 स्टेट में ये ध्यान देना है कि कौन कितने कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, किसका, छत्तीसगढ़ का। तो ध्यान रखेंगे यूपी 1 जिला, झारखंड 2 जिले, उड़ीसा 8 जिले, आंध्र प्रदेश 1 जिला, तेलंगाना 2 जिला, महाराष्ट्र आपका आ जाता है 4 जिला, और MP जो आ जाता है 7 जिला, ठीक। यहाँ पर स्टार मार्क बना लेंगे अभी इसमें मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि पेंड्रा मरवाही एवं गौरेला वाला जो राज्य घोषित हुआ है उसके कारण बहुत से थ्योरी के आंसर्स भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो जो यूपी है वह केवल और केवल आप ध्यान रखेंगे बलरामपुर को, ठीक, आप इसको कैलकुलेट करते रहें। बलरामपुर के बाद झारखंड जो होगा वो क्या होगा, बलरामपुर और साथ ही साथ जसपुर, ठीक। उड़ीसा आपका स्टार्ट हो जाता है जसपुर से, और जसपुर से लेकर यह सुकमा तक पहुंचता है। आंध्र प्रदेश जो होगा वो केवल और केवल सुकमा को, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है तेलंगाना, तेलंगाना जो होगा वो आपका बीजापुर, बीजापुर के साथ सुकमा। महाराष्ट्र जो होता है वह होता है आपका बीजापुर, बीजापुर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद जो होगा कांकेर, और कांकेर के बाद होगा महाराष्ट्र। और MP जो होता है वो टोटल 7 जिले, ध्यान रखेंगे राजनांदगांव से शुरुआत होती है और बलरामपुर तक चलती है, ठीक है। यहाँ पर जो हल्का सा मैंने बॉर्डर छोड़ा है वो आपका कौन सा वाला है, मध्य प्रदेश वाला। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि आंसर नंबर सी, 8 राज्यों को, ठीक। सर्वाधिक जिलों की संख्या पूछा है तो सर्वाधिक जिला जो है उड़ीसा के द्वारा 8 जिलों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश में पूछेगा तो 7, उत्तर प्रदेश 1 और महाराष्ट्र 4। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ प्रदेश को छूने वाला
सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला, क्वेश्चन में डिफरेंस है, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। अब ध्यान रखेंगे सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो राज्य है वो कितने कितने किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए हम नोट कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा जो है वो 830 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक। उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश जो कि 410 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, ठीक है। फिर याद रखेंगे महाराष्ट्र जो है वो 379 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक। अब इसके पश्चात जो आएगा वो आएगा आपका 270, ठीक है। तो 270 किलोमीटर की जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा आपका झारखंड, ठीक। अब 270 के बाद जो सीमा बनाएगा वह बनाएगा तेलंगाना, कितना 173। उसके बाद यूपी बनाएगा आपका 103 किलोमीटर की सीमा, और फिर बनाएगा आंध्र प्रदेश 38। यानी 38 सबसे कम सीमा बनाती है और जो आपकी उड़ीसा है सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है। याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे 830, अगर मैं जीरो हटा दूँ तो ये रिवर्स हो जाता है 38। तो ये दोनों का आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा सीमा की लेंथ जो होगी वह होगी उड़ीसा के साथ 830 किलोमीटर, और सबसे कम लेंथ होगी सीमा की आंध्र प्रदेश के साथ 38 किलोमीटर। इसके साथ एक और क्वेश्चन देखेंगे, जब मैं सारे लेंथ को जोड़ दूंगा तो ये आता है 2203 किलोमीटर, यानी कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को अगर पूरा नापा जाए, ठीक, इसका सरकमफेरेंस देखा जाए तो होगा 2203 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ 7 पड़ोसी राज्यों में सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ बनाती है। आंसर आपको पता है कौन सी, आंध्र प्रदेश 38 किलोमीटर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिलों के बारे में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है वर्तमान में भू आवेष्टित जिलों के बारे में सत्य कथन है। चलिए, तो भू आवेष्टित जिलों का मतलब क्या होता है। भू आवेष्टित या लैंडलॉक ऐसे जिले होते हैं जिनकी किसी समुद्र से सीमा नहीं हो, पहला चीज। दूसरा, जिनकी किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं हो, ऐसे जिलों को हम क्या कहते हैं, भू आवेष्टित जिले कहते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स को, वर्तमान में कुल 9 लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक। तो लैंडलॉक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो कौन कौन से आएंगे, सरगुजा आएंगे, कोरबा आएंगे, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, ठीक, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, करेक्ट। इतना समझ में आता है, कांगेर की सीमा है, कोंडागांव की सीमा है, और यहाँ पर हो गया दंतेवाड़ा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते हैं क्या, लैंडलॉक, ठीक। स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही जा रहा है। दूसरा ध्यान रखेंगे, अगर पेंड्रा मरवाही गौरेला वाला राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है, क्या PNG अगर प्रकाशित हो जाता है, तो याद रखेंगे 10वां कौन सा, 10th नंबर का लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट आएगा मेरा कौन सा, बिलासपुर, इसको याद रखें, ठीक है। बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको मालूम है कि ये कितने हैं, 9। दूसरा, छत्तीसगढ़ के 18 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, बिल्कुल। अगर मैं इस तरह से काउंट करूं क्लॉकवाइज तो टोटल कितने जिले होंगे, 18। लैंडलॉक कितने हैं, 9 वर्तमान के हिसाब से। मुंगेली जिला भू आवेष्टित नहीं है बोल रहा है, बिल्कुल नहीं है, मुंगेली जिला MP को बॉर्डर बना के टच कर रहा है। फिर बलौदाबाजार एवं दंतेवाड़ा भू आवेष्टित जिला है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता है, ये आपका बलौदाबाजार जो किसी अन्य राज्य को नहीं, दंतेवाड़ा जो किसी अन्य राज्य को नहीं, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 सभी सही है, तो आंसर होगा D, उपरोक्त सभी सत्य है। याद रखेंगे बलौदाबाजार की स्थापना जो हुई है वो रायपुर से अलग होकर 2012 में हुई है, और दंतेवाड़ा की जो स्थापना हुई है वो 1998 में हुई है, करेक्ट। चलिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, मतलब टू द पॉइंट याद रखें कि जब आपका पेंड्रा मरवाही गौरेला वाला जिला बन जाएगा तो बिलासपुर 10वां लैंडलॉक होगा, ठीक, और MP के साथ जो स्पर्श करेगा वो पेंड्रा मरवाही गौरेला करेगा, कौन नहीं करेगा, बिलासपुर नहीं करेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे डील कर सकते हैं आप समझिएगा, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर में जो या सीमाओं में जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं भैया, टोटल 7 राज्य हैं। अब इन 7 राज्यों का क्षेत्रफल निकाला गया होगा और इनको भी क्रम में जमाया गया होगा, तो सबसे बड़ा राज्य जो आया होगा वो आया होगा मध्य प्रदेश, हमारा मातृत्व राज्य, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के बाद आप याद रखेंगे MH, और MH के बाद याद रखेंगे आप UP, ये 3 का स्लॉट एक अलग कर लो। फिर पुनः आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आपका आ जाएगा कौन सा,
झारखंड। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा हो सकता है, देखें इधर एमपी, एमपी के बाद एमएच, एमएच के बाद यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा से तेलंगाना, बचा कौन सा, झारखंड। इस तरह से क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ सात जिलों को टच तो करती ही करती है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सभी राज्यों में से सबसे बड़ा है। कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक, उसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः बोल रहा है, वर्तमान में निम्नलिखित राज्य के कितने जिले देश के अन्य राज्यों से संलग्न है। क्वेश्चन सेम है, संलग्न है मतलब कितने जिले, 18 जिले। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पेंड्रा मरवाही गौरेला को लेकर वो क्वेश्चन बना सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, किस राज्य के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, इसके लिए आपको डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार डायरेक्शंस देख लेते हैं। मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़ है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ के एक डायरेक्शन में, दूसरा डायरेक्शन में, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, करेक्ट। चलिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये होता है आपका साउथ ईस्ट वाला, ये होगा आपका साउथ वेस्ट, और ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट वाला भाग, ठीक। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस डायरेक्शन में कौन सा राज्य है, वो है मेरा एमपी, यहाँ पर कौन सा राज्य है, वो है मेरा यूपी, यहाँ पर कौन सा राज्य है, वो मेरा झारखंड, ठीक। यहाँ पर मेरा कौन सा राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर कौन सा राज्य है मेरा, तेलंगाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एमपी को डायरेक्शन वाइज डिवाइड करता हूँ, मध्य प्रदेश को मैंने डायरेक्शन वाइज डिवाइड किया। अगर मध्य प्रदेश के रेफरेंस में की बात करूँगा तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, और ये होगा वेस्ट, करेक्ट। तो किस राज्य के दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट में क्या है, छत्तीसगढ़ है, करेक्ट होती बात यहाँ पे। अगर मैं झारखंड की बात करूँ कि झारखंड के किस डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ है, तो ध्यान रखेंगे ये होगा झारखंड का साउथ और ये होगा झारखंड का वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट में आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ स्थित है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ, तेलंगाना के नॉर्थ और ईस्ट में क्या है मेरा, छत्तीसगढ़। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश। अगर मैं इसके ऑप्शन ए पे जाऊं, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और तेलंगाना के उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाओं के बारे में सत्य कथन है। पहला, उत्तर में बिहार है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार तो नहीं है, तो यही ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट में क्या बोल रहा है, झारखंड है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बट एक और स्टेटमेंट इसमें दिया है, छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में क्या है, तेलंगाना है, यानी कि ऑप्शन 2 इज ट्रू। उत्तर में नॉर्थ है, उत्तर पश्चिम में, और पश्चिम में तेलंगाना है, गलत है। उत्तर में झारखंड है, दक्षिण में तेलंगाना है, गलत है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर होगा वह होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। पहला, राजनांदगांव की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को छूती है, क्योंकि राजनांदगांव एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों को स्पर्श करता है, पहला मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, ठीक। चलिए दूसरा स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश कोरिया जिले के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश की सीमा काफ़ी लंबी बना रही है, जब इसको हम स्ट्रेट कर देंगे तो कोरिया के साथ काफ़ी लंबी बनाएंगी। तीसरा, गरियाबंद उड़ीसा राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, राजनांदगांव की सीमा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को छूती, बिल्कुल गलत। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे यहाँ पर एक मुरकोडो है, ठीक। इसका मैंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों दिया हुआ है। अगर इस बेसिस में बात करें तो यह जो ऑप्शन है वो गलत है। कैसे, केवल और केवल मध्य प्रदेश के साथ वो कम सीमा बनाएगी और महाराष्ट्र के साथ राजनांदगांव ज़्यादा लंबी सीमा बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश कोरिया जिले के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लेंगे तो मध्य प्रदेश कोरिया जिले के साथ सबसे ज़्यादा सीमा एवं बलरामपुर के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को अटेंड कर लेते हैं, गरियाबंद उड़ीसा राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है। पॉइंट समझो कि गरियाबंद उड़ीसा के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगी, तो सबसे कम सीमा जो उड़ीसा है वो किसके साथ बनाती है, धमतरी के साथ। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। तो इनके साथ हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ की उत्तरी और पश्चिमी स्थिति कौन सी है। क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा है तो बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा इसमें। चलिए पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इस रिलेटेड पूरे टॉपिक को, उसके बाद हम इसका मैं आपको क्या करता हूँ आंसर बताता हूँ। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति उत्तरी और पश्चिम को बताना है। तो आप समझिएगा कि ये एक पूरा ग्लोब है और इस ग्लोब को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक मैंने इसको क्या किया, विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री होगा, और एक मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, जो भी 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर, 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर, और ये इक्वेटर या जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक। ये जो तीनों हैं ये अपने आप में एक अक्षांश रेखा है, यानी कि पूरी की पृथ्वी को दो काल्पनिक रेखा जिसको हम बोलते हैं, एक को अक्षांश बोला जाता है और दूसरे को बोला जाता है देशांतर रेखाओं में इसे बांटा गया है। दो काल्पनिक रेखा अक्षांश और देशांतर रेखा, काल्पनिक रेखा अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, हमें इतनी जानने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो जो हमारे भारत का लोकेशन है, तो हमारे भारत का लोकेशन ये वाले लोकेशन पे आता है, यानी भारत का जो लोकेशन होगा वो नॉर्थ और ईस्ट वाले पोर्शन में आएगा। यानी कि भारत में अगर किसी का लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है तो उसका जो हम डायमेंशंस देखेंगे वो नॉर्थ और ईस्ट पे रेफरेंस लेके देखेंगे। यानी कि याद रखें कि ये जो इमेजिनरी वर्ड्स या इमेजिनरी जो डाटाज आते हैं इसमें 2D एवं 3D दोनों का समावेश होता है, क्योंकि इसमें एंगल भी होता है, मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है। अभी हम टू द पॉइंट टॉपिक में चलते हैं। इसी इंडिया में एक है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक। तो छत्तीसगढ़, अगर मैं बात करूँ इस ग्लोब पे, अगर मैं बात करूँ पृथ्वी पे, ठीक, विश्व पे, वो किस डायरेक्शन पे है, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझेंगे कि ये सारी रेखाएं कौन सी हैं, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं, ठीक, और ये सारी रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखा। अब यहाँ से एक पॉइंट अगर मैं निकाल के इस तरह से डिनोट करूँ किसको, CG को, और CG में अगर मेरे को पॉइंट नंबर A से पॉइंट नंबर B तक जाना है तो मुझे अक्षांश रेखाओं को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कहाँ से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक के डिस्टेंस को मेज़र भी करना है तो मुझे अक्षांश के बीच की दूरी को नापना होगा। अगर नॉर्थ वाले पॉइंट को और साउथ वाले पॉइंट को अगर मेरे को लोकेट भी करना है, ठीक, लोकेट भी करना है, तो याद रखेंगे मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, नॉर्थ में बढ़ रहा हूँ, और किस रेखा को पार कर रहा हूँ, अक्षांश रेखा को पार कर रहा हूँ, तो याद रखेंगे नॉर्थ देन लैटिट्यूड, या इसे मैं बोलूँगा उत्तरी अक्षांश, करेक्ट। सेम उसी पॉइंट में अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर सी से डी, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट अगर मेरे को जाना है छत्तीसगढ़ में, यानी कि राजनांदगांव से होते हुए मुझे महासमुंद की ओर जाना है, या NH-53 में मुझे जाना है, तो मैं अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ से लेकर इधर जाने मुझे देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ेगा, और देशांतर रेखाओं को पार करना मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाना, और इन दोनों में से मैं किस में हूँ, मैं ईस्ट वाले पार्ट में हूँ, तो वेस्ट हटा दूँ तो याद रखेंगे कौन सा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर, ठीक। तो छत्तीसगढ़ उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य एक भू आवेष्टित राज्य है। आइए इसके लोकेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर वाला भाग, ठीक, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर वाला जो भाग है वह है आपका 24 डिग्री 5 मिनट्स उत्तरी अक्षांश। सबसे दक्षिणी वाला जो भाग है वो है आपका सुकमा, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो इसका ये वाला पार्ट है, यानी कि इसका पश्चिमी हिस्सा जो है वह है आपका 80 डिग्री 15 मिनट, ठीक, पूर्वी देशांतर। और इसका ये जो जसपुर वाला ज़िला है ये है आपका 84 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री 25, कई जगह 24 लेता है मिनट, इसको ले सकते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक। यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व के मध्य ले सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ले सकता है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ की उत्तरी तथा पश्चिमी स्थिति को बताइए। तो छत्तीसगढ़ की उत्तरी स्थिति जो है, छत्तीसगढ़ की जो उत्तरी स्थिति है वह है 24 डिग्री 5 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 2। पश्चिमी स्थिति जो है वह है 18 डिग्री 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। यानी ऑप्शन होगा C, 2 एंड 3। बाकी को भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी स्थिति को बताइए या छत्तीसगढ़ की दक्षिणी स्थिति को बताइए, तो केवल एक डाटा देगा और ये आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन कौन से जिलों से होकर जा रहा है और कहां से जा रहा है, अभी इसको हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट
एक टॉपिक याद रखेंगे आईएसटी के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक रेखा, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला, ये जो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसके आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आईएसटी निम्न जिले से नहीं गुजरती है। कौन सा? आईएसटी निम्न जिले से होकर नहीं गुजरती है, और ये है आपके चिप्स के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे चिप्स के अकॉर्डिंग। ठीक, चिप्स के अकॉर्डिंग जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है वह तीन जिलों से होकर गुजरती है। पहला कोरिया, कोरिया के बाद आपका कौन सा आएगा? सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आता है ये आपका बलरामपुर। और कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और साथ ही साथ वो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो एक तरीके से अक्षांश रेखा या लैटिट्यूडनल लाइन है, और यह तीन जिलों से होकर गुजरती है, और तीन जिलों से गुजरने के कारण ही जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह उष्ण शीतोष्ण नाम से भी उसे पुकारा जाता है। ठीक, अब ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा चिप्स के अनुसार सोनहट नामक प्लेस, सोनहट कहाँ पर है? कोरिया जिले पे सोनहट है, सोनहट की पहाड़ी, सोनहट में आप देखे हैं सोनहट से हसदेव नदी वहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, तो यहाँ सोनहट नामक प्लेस में दोनों पॉइंट क्या होते हैं? कटिंग होती है। तो इधर मैंने कर्क रेखा में बताया कितने डिस्ट्रिक्ट? 3 डिस्ट्रिक्ट, और आईएसटी लाइन होगा टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट होती है बात? यानी कि इस छत्तीसगढ़ में बात करूं तो ये तीन जिलों से होके निकल गई 23.5। ठीक, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, और चिप्स के अनुसार यह कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये जिसमें 7 जिला कौन कौन सा हो गया आपका? आपका पहला हो गया कोरिया, कोरिया के बाद आपका हो गया सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा 5, महासमुंद 6, और गरियाबंद 7। इस तरीके से 7 जिलों से होकर गुजरती कौन सी? आईएसटी लाइन। और दोनों कहाँ पे कटिंग करेंगी? दोनों कटिंग करेंगी यहाँ पे सोनहट नामक एक प्लेस है, सोनहट से हमें सेमी कोकिंग कोल की प्राप्ति होती है, वहाँ पर ये दोनों क्या करती हैं? कट करती हैं कर्क रेखा और आपका भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा की जो वैल्यू है वह है 82.5 degrees. करेक्ट होती बात यहाँ तक? चलिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, तो ये जो मेरी कर्क रेखा होती है ये तीन जिले से तो होकर गुजरती है, लेकिन अगर तहसील की बात करें तो 7 तहसील होगा, और अगर आईएसटी लाइन की बात करें तो ये कुल 7 जिले से तो होकर गुजरती है, अगर तहसील की बात करें तो 15 तहसील होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आईएसटी निम्न जिले से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? रायगढ़। रायगढ़ से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्क रेखा प्रदेश से किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन आएगा बी कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्यकथन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सत्यकथन है। पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिम बिंदु बीजापुर है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पश्चिम बिंदु अगर बोलता है तो क्या है? वो बीजापुर है, और बीजापुर की वैल्यू यहां पर जो है आप ध्यान रखेंगे 80 degrees 15 minutes पूर्वी देशांतर है, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा, बलरामपुर जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही है, ये मेरा बलरामपुर जिला है, ये आपको पता है, यहां से ये एमपी को, यूपी को, यूपी के साथ झारखंड को भी स्पर्श करता हो। बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट पे स्थित है। यही बलरामपुर जिले में मेरे को रिहन बेसिन और कन्हार बेसिन मिलती है, और यही वो बलरामपुर है जो कि पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी फेमस है, और यही वो बलरामपुर है जहाँ पे मुझे शंकरगढ़ तहसील मिलती है, जहाँ पे शंकरगढ़ मुक्ततुंग के नाम पर यहाँ पर मुझे शंकरगढ़ तहसील का नामकरण देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ ही दूर पे कौन सा? डीपाडी नामक स्थित है, जहाँ पे कलचूरियों से रिलेटेड, कलचूरियों से संबंधित कुछ पुरातात्विक चीज़ें या पुरातात्विक वस्तुओं की हमें प्राप्ति हुई है। करेक्ट, चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु जसपुर जिला है, बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कौन सा? 84 degrees 25 minutes जसपुर जिला, तो आंसर होता है इसका 1, 2, 3। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, बीजापुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इंद्रावती एवं गोदावरी दोनों नदियों का मिलन समारोह होता है, और दोनों नदी जो मिलन करती हैं वो संगम को नाम है समनूर संगम। करेक्ट, और जहाँ पर इंद्रावती नदी ऊपर से आने वाली कोटरी नदी और इधर से आने वाली निब्रा नदी को मिलाती है, वो संगम को बोलते हैं हम लोग हारवेल संगम। तो ये जो मेरा समनूर संगम है कौन सा? बीजापुर पे भोपालपट्टनम से कुछ ही दूरी पर भद्रकाली स्थित है, वहाँ पर गोदावरी और इंद्रावती जहाँ मिलती है उसे मैं समनूर संगम बोलता हूँ, और गोदावरी और इंद्रावती जहाँ पर समनूर संगम है वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के बाद, यानी कि 3 दिनों का एक फेस्टिवल होता है, उसे मैं बोलता हूं बोनालू फेस्टिवल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रामानुजगंज। ध्यान रखेंगे यहां पर है आपका रामानुजगंज, ठीक। बैकुंठपुर दक्षिण में स्थित है, बैकुंठपुर यहां पर आएगा, चिरमिरी यहां पर आता है, ठीक। एक रेलवे ट्रैक के थ्रू ये दोनों जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर यहां पर आएगा, ये भी दक्षिण में है। साथ ही साथ याद रखेंगे अगर डीपाडी की बात करेगा तो डीपाडी भी यहां पर नीचे में आएगा, तो ये भी एक दक्षिण में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बलरामपुर सिटी की अगर बात करें, बलरामपुर सिटी की अगर बात करेगा तो बलरामपुर सिटी इस कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये 7 तहसीलों से होकर गुजरता है, कौन सी? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 3, 7, 1, 9। तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया कितने जिलों से होकर गुजर रही है, 7 जिलों से होकर गुजर रही है। टोटल तहसील कितने हैं? 15 तहसीलें स्थित हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों के संबंध में असत्य है विच इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। उत्तरी जिला बलरामपुर, बिल्कुल उत्तरी जिला इसका बलरामपुर पड़ेगा, ठीक। बलरामपुर में तहसील की बात करें तो रामानुजगंज तहसील। बी जो आएगा, दक्षिणी जिला सुकमा, बिल्कुल सही। सुकमा जिला का कोंटा तहसील इसका दक्षिणी जिला है। और सुकमा यानी दक्षिणी पॉइंट के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन आए मेरे, एक तो 17 डिग्री 46 मिनट, दूसरा एक जिले के बारे में और तीसरा एक तहसील के बारे में। तो हर चीज़ के लिए 3 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, डिग्री एंड 25 यानी लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड उसको याद रखना, डिस्ट्रिक्ट को याद रखना, तहसील को याद रखना, ठीक। सी, पूर्वी जिला जो है वो जसपुर, यानी कि तीनों कथन जो है वो सत्य है और छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। तो ए बी सी सत्य है, तो डी जो है तो कोई भी असत्य नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा की लंबाई निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक है? तो ध्यान रखेंगे बलरामपुर में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें कुछ संभाग से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक आप आंसर बताइए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं, अगर संभाग की बात करें तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ कितने संभाग हैं? कुल 5, ठीक। पहला सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, दुर्ग, और ये बस्तर, ये रायपुर, ये दुर्ग, ये बिलासपुर और ये है सरगुजा। 3 तरह से क्वेश्चन संभाग से पूछ सकता है, एक तो जनसंख्या के आधार पर क्या है, दूसरा पूछ सकता है क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, और इनकी स्थापना के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो आप सबको याद रखना है कि बिलासपुर एक ऐसा संभाग है जिसकी स्थापना 1956 में की गई, रायपुर की स्थापना 1862 में की गई, बस्तर संभाग की स्थापना 1981 में की गई। यानी ये 3 ऐसे संभाग थे, अगर क्वेश्चन पूछे, ये 3 ऐसे संभाग थे जिनका निर्माण राज्य बनने के पहले ही मध्य प्रदेश के समय हो गया, और राज्य बनने के बाद 2 ऐसे संभाग जिनका नाम है दुर्ग 2013 में और सरगुजा है 2008 में, इन संभागों का निर्माण होता है। पहला कौन से, ठीक। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेंगे हमको गाड़ी यहाँ से चालू करनी, कहाँ से? बस्तर से। बस्तर पहले नंबर पे क्षेत्रफल पे, दूसरा हम आ जाएंगे सरगुजा, सरगुजा से नीचे उतरेंगे कहाँ पे? बिलासपुर, बिलासपुर से नीचे उतरेंगे रायपुर, और रायपुर से बगल। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो बस्तर, बस्तर के बाद आपका सरगुजा, सरगुजा से आ जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर से आ जाएगा आपका कौन सा? रायपुर, रायपुर से आ जाएगा दुर्ग, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक। अब एरिया के बाद अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन का, तो याद रखेंगे पॉपुलेशन में जहाँ पे जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होगी, ऐसा मान के चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा जंगल बस्तर, और बस्तर से कम हो जाएगा सरगुजा, ये 2 डिसाइड हो गया। देन हम देखते हैं कि बिलासपुर, बिलासपुर वर्ड्स की लेंथ लंबी है तो हम याद रख लेते हैं बिलासपुर, बिलासपुर के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका रायपुर। दुर्ग, दुर्ग यहाँ पर आ जाएगा बीचों बीच, 5 संभाग के बीच में अगर ऑड नंबर है तो बीच का पार्ट होता है इवन, यानी कि दुर्ग, दुर्ग जो होता है वो किला होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किला एक फोर्ट होता है दुश्मनों के बीच में, समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा पॉपुलेशन के आधार पर संभाग बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड देन सरगुजा एंड देन बस्तर। तो इस तरीके से आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, और एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि जो जो संभाग हैं उनका फॉर्मेशन ईयर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उनके जिलों का फॉर्मेशन कब कब हुआ। तो पहला क्वेश्चन हमें 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दुर्ग है जिसका निर्माण अगस्त 2013 में हुआ, बिल्कुल सही। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग बस्तर है जिसका निर्माण 1948 में हुआ, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला, ठीक है। और
इसमें क्या बोल रहे 1948 में हुआ, गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग बिलासपुर है, ये तो सही है, लेकिन इसका निर्माण 1861 में हुआ, ये हो गया गलत, क्योंकि जिलों का निर्माण हुआ था, संभाग का निर्माण नहीं हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर होगा ए, केवल और केवल एक क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा संभाग दुर्ग है, जिसका निर्माण 2013 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में, जनसंख्या के आधार पर संभागों के क्रम को अधिक से कम की ओर जमाइए। संभागों के क्रम को बोल रहा है अधिक से कम की ओर जमाना है, यानी कि सबसे बड़ा संभाग, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, एंड देन फिर उसके बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फिर अब हम चलते हैं जिलों की ओर। जिलों के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2009 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, आप लोग आंसर सोच के रखें, इससे रिलेटेड हम समझते हैं कुछ चीज़ें। सेंट्रल प्रोविंस के फॉर्मेशन के पश्चात अर्थात 1861 को जिलों का निर्माण प्रारंभ होता है और 1861 में दो जिले बनते हैं। पहला जिले का नाम होता है बिलासपुर, दूसरा जिले का नाम होता है रायपुर, ठीक। उसके बाद 1906 में एक तीसरा जिला बनता है जिसका नाम होता है दुर्ग। 1948 यानी आज़ादी के पश्चात, किसके पश्चात, आज़ादी के पश्चात तीन जिलों का निर्माण होता है। पहले का नाम होता है रायगढ़, दूसरे का नाम होता है सरगुजा, तीसरे का नाम होता है बस्तर, यानी कि रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। याद रखेंगे जो सरगुजा जो जिला था इसका एडमिनिस्ट्रेशन बिलासपुर जिले के साथ होता रहता है, यानी कि सरगुजा का अगर मैं मातृत्व जिले की बात करूं तो आपका क्या होगा, बिलासपुर जिला, ठीक। फिर बात करते हैं 1973 में एक जिला बनकर आता है जिसका नाम होता है राजनंदगांव। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जितने मैंने सात जिले बताए ये सारे हमारे राजकीय गीत जो अभी 18 नवंबर 2019 को घोषित किया गया है, इसमें सारे ये सातों जिले स्थित हैं। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1973 के बाद 1998 में सिंहदेव कमेटी की सिफारिश के पश्चात तत्कालीन छत्तीसगढ़ में नौ जिलों का और फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद 2007 में दो जिलों का फॉर्मेशन हुआ, 2012 में पुनः नौ जिलों का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमारे पास सात जिले, यहाँ पर हमारे पास नौ जिले, यहाँ पर हमारे पास दो जिले और यहाँ पर हमारे नौ जिले, यानी 7, 9, 2, 9 यानी 27 जिले हमें देखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन इसने पूछा 2009 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो हम 2009-12 के मध्य 2009 तो 2, 9, 7 यानी कि 18 जिले। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी, 18 जिले। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है कोई भी डेट निकाल, इतने तक कितने जिले थे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आज़ादी जब हम आज़ाद जब हुए तब छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, याद रखेंगे तीन। जब संविधान लागू हुआ यानी 1950 में, तो कितने जिले आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, 1956, तब कितने जिले थे। तो इस तरह से जिलों के नाम और उनके मातृत्व जिला के आधार पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रमशः सबसे बड़ा व छोटा जिला है। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा जिला जो आएगा वह आएगा आपका राजनंदगांव और सबसे जो छोटा जिला आएगा वह आएगा दुर्ग, ठीक। तो सबसे बड़ा जिले का जो क्रम है वह है टॉप के जो दो जिले राजनंदगांव एवं कोरबा, और सबसे छोटा जिला जो है यानी 27वां नंबर का दुर्ग एंड मुंगेली। फिर क्रम से सबसे छोटा जिला हो गया। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह है आपका रायपुर और सबसे कम जनसंख्या जो है वह है नारायणपुर। तो ये एक एक डाटा एटलीस्ट तो याद होना ही चाहिए आपको, बाकी टॉप थ्री बॉटम थ्री आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ऐसी तहसीलें जो विकास खंड नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले ध्यान रखते हैं ऑप्शन है बैकुंठपुर। तो ध्यान रखेंगे बैकुंठपुर एक तहसील और विकास खंड दोनों है कोरिया जिले का। कोंटा की अगर बात करें तो कोंटा एक ऐसा जगह है जो उसकी सुकमा जिले पे विकासखंड और तहसील दोनों है। कटे कल्याण दंतेवाड़ा पे स्थित विकासखंड है, दोनों चीज़ें हैं, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जो विकासखंड नहीं। आप सबको पता है तहसीलों की संख्या जो है अभी वर्तमान में 150 है, कुछ और घोषित किए गए हैं। 150वें 115th नंबर पे जो तहसील है उसका नाम है बड़े बचेली, और बड़े बचेली अपने आप में एक तहसील है, विकासखंड नहीं है। यानी कि दंतेवाड़ा पे एक तहसील ऐसा है जो विकासखंड नहीं है जिसका नाम है बड़े बचेली। फिर हम ऊपर चढ़ते हैं जिसका नाम है बेमेतरा, बेमेतरा जिले में एक तहसील है जिसका नाम है आपका थान खमरिया, ये अपने आप में विकासखंड नहीं है। फिर हम आते हैं बिलासपुर जिले पे, और बिलासपुर जिले पे जो है उसको आप ध्यान देंगे, बिलासपुर जिले पे आपका बिलासपुर
एक तहसील है बट विकासखंड नहीं है। जांजगीर चांपा जिले पे आप ध्यान रखेंगे, जांजगीर एक क्या है, तहसील है बट विकासखंड नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे चार जिले हैं जहां पर कुछ तहसीलें हैं लेकिन वो विकासखंड नहीं है। हम सबको पता है कि तहसील जो होता है वो रिवेन्यू कलेक्शन के लिए होते हैं और जो विकासखंड होते हैं जो डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा चलाई जाती है उसको क्रियान्वित करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फिर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं यानी कि डी। निम्नलिखित में से सत्य कथन पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको फ्लैश हो रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तराखंड राज्य में नहीं लगती। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ राज्य से उत्तराखंड राज्य से नहीं लगती। सर्वाधिक राज्यों के साथ जिलों का युग्म सुकमा और बलरामपुर, बिल्कुल सही है। सुकमा तीन राज्य, कौन कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बलरामपुर जो होगा वो भी तीन राज्य, आपका कौन कौन सा होगा, झारखंड, झारखंड के बाद एमपी और एमपी के बाद आपका यूपी। बड़े राजपुर तहसील कौन सा, बड़े राजपुर तहसील जो है वह है जसपुर में। तो इसका जो ऑप्शन होगा केवल और केवल 1 और 2। 1 सत्य कथन है क्योंकि सत्य की पहचान बोला छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तराखंड से नहीं उत्तर प्रदेश से लगती है, सर्वाधिक राज्य यानी कि ये जो आपका सुकमा और बलरामपुर है वो तीन तीन राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूरजपुर की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो जरा मैप देख लेते हैं हम लोग, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये हो गया आपका कौन सा, कोरिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा सूरजपुर की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो आप जरा यहां पर देखेंगे कि ये है आपका सूरजपुर, सूरजपुर बलरामपुर को स्पर्श कर रहा है, कर रहा है, कोरिया को स्पर्श कर रहा है, कर रहा है, यहां पर ये कोरबा को कर रहा है, कर रहा है, सरगुजा को कर रहा है, कर रहा है, ठीक। यानी कि बलरामपुर कर रहा है, सरगुजा कर रहा है, कोरिया कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो 24 में इसमें से ऐसा कोई भी जिला नहीं जो स्पर्श नहीं कर रहा, सभी जिले स्पर्श कर रहे हैं। तो ऑप्शन होगा डी। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल एक यानी कि बलरामपुर। और ये भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ही रिहन नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बोला जाता है, ठीक। आशा करता हूँ कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे और कोशिश रही है थोड़ी स्लो करने की चीज़ों को। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्लो है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, बाकी जिनको स्लो चाहिए होता उसके लिए ठीक है। और अगला जो हम टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम फिजियोग्राफी में बात करेंगे, फिजियोग्राफी के बाद हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम कोर जियोग्राफी में एंट्री करेंगे जिसमें हम चट्टान वगैरह में आएंगे और आने वाले टाइम में हम जनजाति नृत्यों पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।